अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। आई एम योर उर्दू टीचर एंड दिस इज योर उर्दू बुक। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर बुक्स। पेज नंबर 148। सबक है हमारे पास पाकिस्तान, पाकिस्तान। आज हम पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पाकिस्तान एक बेइंतहा खूबसूरत और कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क है। इसकी झीलें, नहरें, दरिया और समंदर अपनी मिसाल आप हैं। दरियाए कुनहार का झाग उड़ता तंद्रो तेज पानी से पानी हो, या दरियाए सिंध का खामोश और वक़ार से बहता अजीम दरिया, नज़रों में बस जाने वाले खूबसूरत मनाजिर कहीं नज़रों से ओझल नहीं होते। गर्म पानियों का इतना गहरा समंदर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी नेमत है। बहुत से दूसरे ममालिक इस नेमत के ख्वाहिशमंद होते हैं, मगर जोग्राफाई एतबार से इन्हें ये नेमत मयसर नहीं होती और वो इसके लिए दूसरे मुल्कों के मोहताज होते हैं। समंदर के रास्ते तिजारत की तारीख बहुत पुरानी है और ज़माने कदीम की तरह आज भी बहुत अहम है, ठीक है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, सबको पता होगा कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खूबसूरत मुल्क है, ठीक है। कुदरती वसाइल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि पाकिस्तान में जो है बहुत ज़्यादा समंदर है, यानी कि बहुत दरिया है, समंदर है, झीलें हैं, नहरें हैं, ठीक है। और बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर समंदर मयसर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा ममालिक है जहाँ पर हर चीज़ मौजूद है। पाकिस्तान के सहरा, मैदान, चोटियाँ, बर्फानी इलाके, गर्म तरीन इलाके, मसलन के जैकबाबाद, सिब्बी, अल्लाह ताला के इनामात में से हैं। पाकिस्तान की ज़रख़ेज़ ज़मीन जौ, गंदम, चावल, चना, जोहर, जवार और बहुत सी दूसरी फसलों के लिए बहुत मौजूद मुनासिब हैं, ठीक है। पाकिस्तान की ज़मीन सबको पता होगा कि बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ है। यहाँ पर जौ, गंदम, चावल, चना, जवार, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से उग सकती हैं, ठीक है, जो कि उगा भी करती हैं। फलों के लिए आबोहवा का मवाकिफ होना एक बड़ी नेमत है जो कि पाकिस्तान के पास है। मैदानी गर्म इलाके आम और खजूर के बाग़ात से भरे हुए हैं और सर्द पहाड़ी इलाके अखरोट, बादाम, आलू बुखारे, खुबानी और दूसरे मेवेजात से के लिए बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। दीगर फलों की भी इतनी ज़्यादा और इतनी कदर लजीज इकसाम बहुत कम ममालिक में पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर अंग्रेज़ी में ऑरेंज कहलाए जाने वाले फल के जितने इकसाम पाकिस्तान में हैं कहीं और नहीं। माल्टा, संतरा, मौसमी, कीनो, फ्रूटर इसकी मिसालें हैं, यानी कि पाकिस्तान में हर चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छी मकदार में मिलेगी, ठीक है। यानी पाकिस्तान की ज़मीन बहुत ज़्यादा सरखेज़ है, इसके अंदर आपको मेवे हों या फल हों या जो है वो अनाज हो, बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो उगता है। पाकिस्तान वाहिद ममालिक हैं जहाँ पे ऑरेंज की बहुत ज़्यादा किस्में पाई जाती हैं, ठीक है। पाकिस्तान के पहाड़ कुदरती मादनियात से मालामाल है। संगे मरमर और बहुत से कीमती इमारती पत्थर, हीरे और जमरुद की काने, इन सब कुदरती वसाइल के साथ अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत बासलाहित इंसानों से भी नवाजा है। पाकिस्तान के बहुत सारे खिलाड़ी अपने अपने मुतालिका खेलों में दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों और खिलाड़ियों को हरा चुके हैं। असीम साइंसदान सलीम अल जमा सिद्दीकी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और बहुत से बासलाहित इंसान यहाँ के शहरियत रखते हैं, यानी कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर तरह की नेमत से नवाजा है। अब चाहे वो ज़मीनी हो, ठीक है, या पहाड़ी हो, समंदरी हो, या फिर इंसान की बात की जाए तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बासलाहित इंसान भी मौजूद हैं, जिनके कुछ नाम इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं कि सलीम अज़मा सिद्दीकी, बहुत अच्छे साइंसदान, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, अब्दुल सत्तार अहदी और इंसानों की फलाह बहबूद के काम करने वाली बहुत सी ऐसी हस्तियाँ इस सरज़मीन पाकिस्तान से निकली हैं जिनके पाए का कोई दूसरा दुनिया में नहीं है, ठीक है, यानी कि और कोई ऐसा दुनिया में अभी तक पाया नहीं गया है। यहाँ के तारीखी मकामात दुनिया की सबसे कदीम तहसीब को अपने दामन में लिए हुए हैं। दुनिया की सबसे कदीम तहसीब यानी कि इंडस सिविलाइजेशन के निशानात यहीं मिलते हैं। एक तरफ जहाँ मोइनजोदड़ो, हड़प्पा, टेक्सिला जैसे कदीम
आसार हैं। वहीं तारीखी इमारतों में शाही किला, बादशाही मस्जिद और बहुत सी दूसरी इमारतें अपने सर उठाए खड़ी हैं। यानी कि पाकिस्तान जो है वो बहुत सारी कदीमी तहजीब से भी मालामाल है। पाकिस्तान के चार सूबे हैं, सिंध, पंजाब, सिंध बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब। सिंध का सूबाई दारुल हुकूमत कराची है, बलूचिस्तान का कोयटा, खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर और पंजाब का लाहौर है। 2009 में गिलगित बल्तिस्तान को भी सूबाई इलाके का दर्जा दिया गया है। पहले इस इलाके को शुमाली इलाका जात कहा जाता था। इसका दारुल हुकूमत गिलगित है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं, जिनमें पंजाबी, सराइकी, पश्तो, सिंधी, हिंदको, बल्ती वगैरह शामिल है। पाकिस्तान की कौमी ज़बान क्या है? पाकिस्तान की कौमी ज़बान सबको पता है कि उर्दू है। यहाँ पर पाकिस्तान के इदारे दिए गए हैं, कौन कौन से हैं? पार्लियामेंट, फौज, अदलिया, पुलिस, सेहत और तालीम। पार्लियामेंट क्या है? ये पाकिस्तान की कानून साज असम्बली है। यहाँ आवाम के मुंतखब किए हुए नुमाइंदे मुल्क के लिए कवानीन, पॉलिसियाँ बनाते हैं। कौमी नौयत के मामलात पर यहाँ अहम फैसले किए जाते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारे पास फौज। सरहदों की हिफाजत के अहम फ़र्ज के अलावा अंदरूनी अफाद और ख़तरात से निपटने में भी पेश ये इदारा दुनिया के आला तरीन अफवाज में शामिल होता है। इसकी पेशवराना और माहराना सलाहियतों से दुनिया की दूसरी कौमें और अफवाज भी तरबियत लेने के लिए ज़रिया फ़ायदा उठा रही हैं। बर्री, बहरी और फ़िज़ाई तीनों अफवाज शजात और महारत में अपनी मिसाल आप हैं। ठीक है, अदलिया यानी कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है। इसका सरबराह चीफ जस्टिस कहलाता है। तमाम अदालतें इस इदारे की मातहत हैं। कानून की बलादस्ती और नफाज के लिए ये इदारा बहुत अहम खदमात सर अंजाम दे रहा है। ठीक है जी, दूसरा है हमारे पास पुलिस। ये भी एक कौमी इदारा है, आवाम के जानो माल का है, तहफ़ इसकी ज़िम्मेदारी है। सेहत और तालीम, इन इदारों के तहत अस्पताल, यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेज कायम हैं। पाकिस्तान एटमी ताकत होने की बिना पर बहुत से मुल्कों की अफजलियत रखता है। एक गरीब मुल्क होने के बावजूद ये सलाहियत हासिल कर लेना एक बहुत बड़ा कारनामा है। ये बात तो सबको पता होगा कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान को एक एटमी ताकत बनाया है। जो हमारा मुल्क गरीब होने के बावजूद भी एटमी ताकत है, तो ये अल्लाह ताला का हम पर एहसान है। ओके स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद करती हूँ चैप्टर समझ में आ गया होगा। आपने क्या करना है? आपने तो पहले सबसे पहले इस चैप्टर का अच्छी तरीके से मुताला करना है, और उसके बाद आपने अपने टाइटल पेज पर पाकिस्तान का मैप बनाना है, जो कि आपको नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है आपको शहरों के नाम नहीं लिखे हुए, लेकिन आपने सर्च कर एक बहुत अच्छा सा मैप बनाना है, जिसमें आप तमाम शहरों को पॉइंट आउट भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड्स माई टुडेज़ लेसन। आई विल कम बैक विद अनदर लेसन टुमारो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।